जब प्रभु की अहेतु की कृपा होती है, अहेतु की का मतलब दो कृपा होती हैं, एक हमारे कर्म से प्रसन्न होकर वो कृपा करते हैं, दूसरी बात हमने ऐसा कोई भी ऐसा कर्म नहीं किया, उनको मनाने की कोशिश नहीं की, उसके बावजूद भी उन्होंने कृपा कर दी, उसको अहेतु की कृपा कहते हैं। हमने कोई हेतु नहीं किया लेकिन उन्होंने अहेतु की कृपा हमारे ऊपर की। जब हमारे गोविंद, जब हमारे प्रभु हमारे जीवन के ऊपर अहेतु की कृपा करते हैं, तब हमारे जीवन में सत्संग, और सत्संग में भी कथा, कथा में भी राम कथा, जो हमें जीना सिखाती है। जीना क्या, किसको कहते हैं? जीने के लिए तो सब जीते हैं और जी रहे हैं और जीते रहे। जीने की बात अगर करें तो ऐसा कौन सा प्राणी है जो जी नहीं रहा? जो यहाँ आए वो भी जी रहे हैं, जो यहाँ नहीं आए वो भी ज़्यादा, वो समझते हैं हम ज़्यादा अच्छे जी रहे हैं। जी तो सब रहे हैं, लेकिन जीना किसको कहते हैं वो रामायण सिखाती है। रामचरितमानस हमारे जीवन के सारे जहाँ पर विघ्न आते हैं उन सब विघ्नों को दूर करने वाला है। रामकथा हमें जीना सिखाती है। जीना उसी को नहीं कहते हैं, एक बात एक सुनी होगी आपने, जीना है उन्हीं का जिसने ये राज जाना। सुना आपने? जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। राज क्या है, कौन सा राज जाना? जिसे जीना आ गया सही माने में उसका जीना है, जो जीने के राज को जानता है उसको कहते जीना। खाए कमाए सोए संतान बड़ी कर दी, ऐसे तो गधे भी जी लिए, अगर ऐसे गधों की तरह हम जी लिए तो क्या जी लिए हमसे पहले। अच्छा हंसने की बात नहीं, समझने की बात है, आप ही बताइए हमको, क्या गधों के संतान नहीं होती? क्या गधे कमाते नहीं है? क्या गधे सोते नहीं है? क्या गधे खाते नहीं? तो हमने ऐसा कौन सा तीर मार लिया, ऐसा कौन सा बड़ा काम कर लिया जो वो गधा गधा है और हम इंसान इंसान है? जिसने ये राज जाना, जो इस राज को जाने उसका नाम है जीना। वो राज क्या, वो रामायण बताएगी। पूरे 9 दिन सुनो, दृढ़ विश्वास के साथ सुनो, मन क्रम वचन से सुनो, जीना आ जाएगा। कई लोग तो अंतिम पड़ाव पर बैठे, बोले अब क्या जीना सीखना है साहब, है ना? कई लोग तो राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे राधे। कई लोगों की तो अंतिम तिथि चल रही है, किसी भी समय इनकाउंटर हो सकता है, गलत तो नहीं कह रहा हूं। वो क्या कर रहे हैं, उनको जीने से क्या मतलब, सीखना क्या है? नहीं साहब, अगर आखिरी के 2 पल भी ढंग से जी लिए तो मैं कहता हूं तेरा पूरा जीवन सुधर सकता है, आखिरी के 2 पलों में भी मेरे भाई, सिर्फ आखिरी के 2 पलों में। अभी जब मैं आ रहा था मुझे एक बच्चा मिला, बच्चा मिला ठाकुर जी, जो अभी पीछे कथा हुई चंडीगढ़ में, आप लोगों ने टीवी पे देखा हो, उन्होंने कहा ठाकुर जी ऐसे जागृति लाओ मेरठ में सब, ऐसे जैसे वहां आपने जागृति लाई। अरे मैं कौन होता हूं जागृति लाने वाला, जागृति तो आप ही को लानी पड़ेगी। हम तो सिर्फ बोल सकते हैं, सुनना आपको पड़ेगा, समझना आपको पड़ेगा मेरे भाई। हम कोशिश करेंगे, जरूर करेंगे, उससे भी ज्यादा एफर्ट्स लगाएंगे अपने, लेकिन आपको उसके लिए आगे आना पड़ेगा। एक और बात मैं आपको पहले दिन समझा देता हूं, जिससे आप लोग बाद में ना कहो कि देर से सुनाई है। एक बात जो यहां पर बड़े बुजुर्ग बैठे हैं उन सबसे निवेदन, आप अपने छोटे छोटे बच्चों को भी कथा में लाया करो कल से, बहुत जरूरी है। राम कथा में तो बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। कई लोग बड़े नहीं सुधर पाते लेकिन बच्चे इतने सुधर जाते पूरा खानदान सुधार देते। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कल से, आज तो आ ही गए हो, अब तो जाके आने में तब तक कथा पूरी हो जाएगी, क्योंकि मेरठ बहुत बड़ा शहर है। लेकिन मैं आपसे इतना निवेदन जरूर करूंगा, कल से अकेले नहीं आना है, अपने परिवार के बच्चों को भी, मुझे पता है ट्यूशन होता है,
बच्चों के ट्यूशन होते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा चाहे एक घंटा चाहे दो घंटा, जितना भी उसको टाइम मिले आप उसके टाइम अनुसार उसको लेकर आइए। छोटे छोटे बच्चों को लाकर उनको कथा सुनवाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में जो शायद हमने खो दिया है वो हमारे बच्चे ना खोए, ऐसा मुझे यकीन है। रामायण के ऊपर यकीन तो करना ही है, रामायण पर यकीन नहीं होगा तो किस पर यकीन होगा। तो आइए मेरे साथ मिलकर पहले सीताराम जी का कीर्तन कर लें, वो जरूरी है ना, पहले भजन स्नान फिर कथा। अभी तो हम संसार की हावो हवा में से निकल कर आए, एकदम से कथा शुरू कर दूंगा तो मन नहीं लगेगा, पहले भजन स्नान कर लें। रात भर सोते हैं, सोने के बाद आलस्य कब तक रहता है, जोर से बोलिए, जब तक स्नान ना हो जाए तब तक आलस्य रहता है ना, और स्नान के बाद आलस्य नहीं रहता फिर काम शुरू हो जाता है। तो अभी जो दुनिया की माया का जो हावो हवा है उसका आलस्य अभी हमारे मन पर सवार होगा, लेकिन जैसे सीताराम जी महाराज का कीर्तन करेंगे वैसे ही वो आलस्य खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो भजन स्नान हो जाएगा। तो आप सब तैयार हैं भजन स्नान के लिए, प्रारंभ किया जाए।